नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति के जीवन के अंदर मनोकामना होती है कि माता लक्ष्मी की उसके जीवन के अंदर कृपा बनी रहे। इस हेतु वह व्यक्ति दौड़ता है, मेहनत भी करता है, ताकि उसके जेब हरी भरी रहे और धन के मामलों के अंदर उसे किसी के सामने नहीं देखना पड़े और उसके जीवन के अंदर सुख समृद्धि के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी का कुछ ऐसा खास चमत्कारी मंत्र है, जिसके माध्यम से व्यक्ति चाहे जितना धन कमा सकता है। बस आपको धन की माता देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और उसके बाद देखिए कि उन्हें क्या आप उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्रों के माध्यम से वह शक्ति होती है, जिसकी चलते आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी उनको प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग तरीकों से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र के अनुसार अगर कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो देवी माता बहुत जल्द प्रसन्न होती है और इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे यह मंत्र बहुत खास होता है और इन मंत्रों को जाप करने के बाद आप देखिएगी कि आपके जीवन के अंदर कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले, तो आपको मात्र एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से धन का आगमन के द्वार खुल जाते हैं। और आप क्या करें, शुक्रवार हो या गुरुवार या बुधवार, इन तीनों बुध शुक्र इन तीनों में से किसी वार को आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप क्या करें कि नहा धोवा कर तैयार हो जाएं, कैसा भी समय हो, रात का समय, दिन का समय, दोपहर का समय, बस आपको माता लक्ष्मी की भक्ति के अंदर विलीन होते हुए इस मंत्र का जाप करना। आप क्या करें कि आपको 1 किलो गेहूं ले लेना है या 1 किलो चावल, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी अनाज ले ले मंत्र। उसके बाद आपको लाल आसन बिछा कर आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक कवच की, रुद्राक्ष की या कमल गड्ढे की या कोई भी माला नहीं है तो आप अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से ही आप मंत्रों का जाप कर सकती हैं। आप क्या करें कि आपको ना तो किसी प्रकार की कोई लक्ष्मी जी की फोटो की आवश्यकता पड़ती है, ना ही माता जी की किसी प्रकार की तस्वीर की आवश्यकता पड़ती है। बस शांत मुद्रा के अंदर बैठ जाएं, उसके बाद अपने मन के अंदर अपने आंखों के बीचों बीच पॉइंट पर ध्यान देते हुए माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने सर के ऊपर ही आपको लेकर आनी है। उसके बाद शांत स्वभाव में बैठकर आपने क्या करना है, एक इसी एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम श्रीम कलि श्रीम सिद्धि लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ध्रीम कलि सिद्धि लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके हर प्रकार के कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त होती है। आपको जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है। बस आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे कि जब भी आप मंत्र का जाप करें, तब आपको इस के सामने एक दीपक जरूर जलाना है। और अब गेहूं या अनाज की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, तो आपको बता दें कि जब आप इन मंत्रों का जाप करें तो अनाज को अपने मुट्ठी में लेते हुए अपनी अंगुलियों की सहायता से आप मंत्र को गिनते रहें और माला को फेरते रहें, और अनाज की एक बार माला बोलते ही आपको अंगूठियों से अनाज को दूसरी तरफ उसी पात्र के अंदर रखना है। क्योंकि दोस्तों, अब अनाज अब मंत्रित हो जाता है, मंत्रों की दिव्य शक्ति उसके अंदर चली जाती है। आपको अनाज ना तो किसी को दान देना है, ना ही किसी को खिलाना है। बस आपको क्या करना है कि उस अनाज को, इस चावल को अपने घरों के अंदर दान मिलाएं, क्योंकि दोस्तों वो अभिमंत्रित अनाज होता है। उसको माध्यम से कितने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया गया अनाज आपको वास्तव में कई गुना फायदा प्राप्त करने और करवाने वाला होता है। अब आप क्या करें कि उस अनाज को अपने घर के खाने के अंदर ही ले, और तो परिवार के जितने सदस्यों के मुख्य वो अनाज लगता है, समझ लीजिए कि उसे जीवन के अंदर उसी प्रकार से कार्य बहुत जल्द बनते चले जाते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है और सकारात्मक प्रभाव के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको और क्या चाहिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, माता लक्ष्मी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।